अस्सलाम वालेकुम, आज हमारे पास गंदम की एक नई वैरायटी PBW 826 और इसकी पैदावार सलाहियत 75 से 80 मन है और इंडिया की ये नई वैरायटी है। पाकिस्तान में जदीद फार्मिंग इस टाइम जारी है, यहाँ पे ये खेलों के ऊपर लगाई गई है और बेड कॉटन वाला एक बेड है उसके ऊपर ये लगाई गई है। आप देखें इसमें और इतना ही इसका तकरीबन वाटर चैनल था जो कि अब वाटर चैनल छुपता हुआ नजर आ रहा है। आप इसके एक दफा फील्ड सारा देख लें और उसके बाद इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी करवाते हैं और ये गंदम कैसे लगाते हैं, इसकी एवरेज क्या है और जी दोस्तों, वाला जदीद एग्री फार्म के प्लेटफार्म पे विकास वाला बात कर रहा हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल जदीद एग्री फार्मिंग और फेसबुक पे हमारा वाला जदीद एग्री फार्म, इसको सब्सक्राइब कर लें। ये हमारी 826 वैरायटी है, PBW 826, ये DBW 303 और 187 जो कि इंडिया की टॉप वैरायटी थी उनके बाद जो लेटेस्ट वैरायटी है। ये हमारे पास तकरीबन 6 कनाल का फील्ड है, इसमें से 4 से 4.5 कनाल पे 826 लगी हुई है और एक हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा सीड था, बिल्कुल न्यू लाइन है 869, वो हमारा सीड किसी भी दोस्त को देने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसका भी आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे। तो इस पे आ जाते हैं, ये 826 वैरायटी, इसका फ्लैग लीफ अगर आप देखते हैं ये चौड़ा है, इसका फ्लैग लीफ चौड़ा है, सेहतमंद इसका तना है, ये देखिए ये इसका सेहतमंद तना है और टिलरिंग कैपेसिटी इसकी अगर देखी जाए तो वो भी बहुत अच्छी है, वो आपको टिलर्स भी दिखा देंगे एक दो प्लांट के। अच्छा, पाकिस्तान में हमने इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए थोड़ा सा सीड मंगवाया और इसको जदीद अंदाज में, क्योंकि सीड थोड़ा था, 4 से 5 KG हमारे पास सीड था ये, तो हमने इसको बेड से ऊपर चोपा लगा के इसको हमने काश किया है। इसके अंदर हमने फास्फोरस स्टार्ट में दी थी 1.5 बोरी और उसके बाद हमने इसको जिंक का स्प्रे करवाया, फिर हमने इसको 3 बैग समझ लें एकड़ के हिसाब से यूरिया की दी है। अब इसको पोटाश का फ्लड करवाया और साथ स्प्रे करवा चुके हैं और इसके साथ ही फंगीसाइड और ये चीजें भी होगी। अब ये गोब की हालत में है, इसका कहीं कहीं सिक्का निकल रहा है, ये देखिए आप, ये भी सिक्के निकल रहे हैं। तकरीबन ये 100 दिनों की अब फसल है, बेड्स पे लगाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है जब आप चोपा लगाते हैं, लेकिन इसका एक फायदा होता है कि इससे हमारी पैदावार सलाहियत थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब हम ये इसका सीड आगे प्योर फॉर्म में जो सीड है हमारा, ये हम चंद एक दोस्तों को देंगे ताकि इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सके। अगर बेड्स पे लगाएंगे तो 5 से 6 KG सीड एकड़ के लिए और अगर छटा लगाएंगे तो वो फिर हमारा 40 KG रिकमेंडेड ये सीड है। और हम चाह रहे थे कि एक आधे प्लाट में अगर टिलरिंग गिन लेते तो ये इसके टिलर देखेंगे तो ये एक दाने के टिलर है और मोटा जानदार इसका पौधा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
इससे कम प्लांट भी होंगे, ज्यादा प्लांट भी होंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, गंदम की नई वैरायटी अगर आपको ये हमारी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारे साथ अगर रब्ता करना चाहते हैं 0313-7046-478 हमारी वीडियो को देख के आप कमेंट्स भी किया करें, और हमें ताकि इस वैरायटी का थोड़ा सा किसी भी वैरायटी का हमें फीडबैक मिल सके। और देखने में तो अभी ये बहुत अच्छी फसल नजर आ रही है, देखने में तो अभी ये सारी फसल बहुत अच्छी नजर आ रही है। और बेड्स के ऊपर जब आप आते हैं तो पैदावार सलाहियत भी बढ़ जाती है और टिलरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। ये सारा फील्ड दिखाने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि सारा फील्ड एक ही जैसा है।